आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिनी नमकीन समोसे की रेसिपी। ये काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में और इसकी जो स्टफिंग होती है वो दाल से बनी नमकीनों से होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक टेस्टी सी रेसिपी। तो चलिए बिना वीडियो को देरी करे स्टार्ट करते हैं और आज बनाते हैं टेस्टी सी एक रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पे हम स्टफिंग तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है मसाला गठिया, ये इजीली आपको मिल जाएगी नमकीन के स्टोर पे। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल ले लिया है और फिर मैंने ले लिया है बेसन की भुजिया, जिसे हम सेव भी कहते हैं, वो ले लिया है। फिर मैंने ले लिया है आलू भुजिया, ये थोड़ी सी चटपटी होती है। फिर मैंने ले लिया है आलू के लच्छे, ये भी बहुत ही क्रंची होते हैं खाने में, तो इसे भी हम ले लेंगे। बस ये कुछ नमकीन थे जो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे ग्राइंडर में इसे डाल दिया है। फिर मैंने इसमें सौंफ डाल दिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फिर मैंने इसमें काली मिर्च डाल दिया है, सौंठ पाउडर जिसे हम जिंजर पाउडर भी कहते हैं। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जीरा पाउडर ऐड कर दिया है, गरम मसाला ऐड कर दिया है, धनिया पाउडर, और खट्टा करने के लिए मैंने यहाँ पे आमचूर का पाउडर ऐड कर दिया है और काला नमक ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड कर दिया है। बस इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और पेस्ट नहीं बनाना है, पाउडर भी नहीं बनाना है हमें, बस हल्का सा दरदरा पीस लेना है। फिर मैंने इसमें कटे हुए किशमिश ऐड कर दिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है खाने में, खट्टा मीठा लगता है। फिर यहाँ पे मैंने कुछ काजू के पीसेस ले लिए हैं और इसे भी छोटा छोटा कट कर लिया है। फिर इसे बाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे इमली की चटनी ले ली है। आप चाहें तो इमली की चटनी या इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में इमली चटनी मिल जाती है इजली, तो आपको जो भी मिले आप उस तरीके से इसमें मिक्स कर लें। इससे क्या है कि इसका जो फ्लेवर रहेगा खट्टा मीठा हो जाएगा और ये पाउडर के फॉर्म में तो थोड़ा सा बाइंड हो जाएगा, जिससे स्टफिंग करने में बहुत हेल्प होती है। फिर मैंने इसमें चीनी ऐड कर दिया है, आपके पास पाउडर शुगर हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने धनिया की जो सीड होते हैं उसे अच्छे से क्रश कर लिया है और वो ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी हींग ऐड कर दी है और सफ़ेद तिल ऐड कर दिया है, ये बहुत ही अच्छा लगता है क्रंची जब इसका हम लेते हैं। तो बस इतने सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो मैंने इसमें ऐड कर दिए और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमारी स्टफिंग तो रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कि देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब इसके लिए हम डो प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, फिर इसे म्योन करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल का ऐड किया है, थोड़ी सी नमक ऐड कर दी है और थोड़ी सी बेकिंग सोडा 2 पिंच मैंने इसमें ऐड कर दिया है, जिससे ये इसकी जो लेयर्स होंगी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगी और बहुत ज़्यादा लेयर्स बनेंगे। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले बिना पानी के साथ, ताकि ये अच्छे से म्योन हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ कि म्योन किस तरीके से होना चाहिए। तो जब हम इसे कलेक्ट करें और एक बॉल के फॉर्म में बनाएं तो अच्छे से बॉल बन जाए, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा म्योन रेडी कर लेना है। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेना है। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, ना ज़्यादा हार्ड करना है। जिस तरीके से हम समोसे के लिए डो प्रिपेयर करते हैं, उसी तरीके से हम इसका डो प्रिपेयर कर लेंगे, आप देख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए रख दिया है। 10 मिनट बाद मैं इसे समोसे बनाना शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सरफेस पे इसे रख दिया है और इसे रोल कर लूँगी।
और इसे इक्वली डिवाइड करना है हमें, और छोटे छोटे समोसे बनाने हैं। तो उस तरीके से हम इसके बॉल्स को तोड़ लेंगे ताकि हम जब समोसे बनाएं तो वो छोटे छोटे बने। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने नाइफ की हेल्प से इसे डिवाइड कर दिया है इक्वली, और इसे पाम से मैंने इसे फ्लैट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा कुछ इस तरीके से, मैंने आपको दिखाया है कि मैंने दो फिंगर रख करके इसे कट किया है। इससे हमारे जो मिनी समोसे बनते हैं वो परफेक्ट बनते हैं। तो आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। फिर एक एक करके इसे हम बेल लेंगे। तो जैसे हम समोसे को बेलते हैं ओवल शेप में, तो उस तरीके से ही इसे भी बेलना है। तो ओवल शेप में हम इसे अच्छे से बेल लेंगे, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा रखें, इक्वली अच्छे से फ्लैट कर लें। तो आप देख सकते हैं, फिर मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो एक में हमारे दो समोसे बनेंगे। आप देख सकते हैं इसकी छोटी सी पॉकेट कितनी बनेगी। फिर यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है और स्टफिंग ले लिया है जो हमने रेडी कर रखा था। तो इस पर सबसे पहले हम पानी लगाएंगे ताकि जब हम इसे पॉकेट्स बनाएं तो वो खुले नहीं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें, पानी लगाएं और फिर अच्छे से सील करें। तो यहाँ पे फिंगर टिप से आप इसे प्रेस करके अच्छे से सील कर लें। तो ये देखिए एक पॉकेट रेडी हो गया है। तो जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो फिल कर दें और इसे हल्का सा इसे प्रेस कर लें और फिर से पानी लगा दें। इससे क्या है कि ये जब हम फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। फिर आप देख सकते हैं मैंने इसे कैसे क्लोज किया है। दोनों फिंगर की हेल्प से हम साइड में रखेंगे और फिर हम इसको अच्छे से क्लोज कर देंगे। इससे क्या है कि जो समोसे के शेप होंगे काफ़ी छोटे हो जाएंगे, और जिस तरीके से हम मार्केट में मिलते हैं उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप बनाएं, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। ये बनाना काफ़ी इजी है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से कितना अच्छा शेप आया है समोसे को। तरीके से मैंने सारे मिनी समोसे को रेडी कर लिया है एक साथ। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं छोटे छोटे समोसे। तो चलिए शुरू करते हैं अभी इसे तलने के लिए। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था, और मैं आपको दिखाती हूँ एक समोसा जो तेल अगर ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो इससे क्या होता है समोसे के साथ। हमेशा आप जब भी समोसे या तो कचौड़ियाँ तलते हैं तो हमेशा लो से मीडियम फ्लेम ही हॉट होना चाहिए तेल का, ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो कचौड़ियाँ या तो समोसे होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके कि किस तरीके से हो जाते हैं। तो हमेशा इसका टेम्परेचर डाउन रहे तभी आप अपने समोसे या कचौड़ी को तलें। और फिर जब ये अच्छे से एक तरफ सिक जाए तब आप मीडियम कर दें फ्लेम, तब आपकी जो कचौड़ी और समोसे होंगे बहुत ही अंदर तक पकेंगे और बहुत ही क्रिस्प बनेंगे। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। और इसे हमें तलने में 7 से 8 मिनट लग जाएगा। आप इसे लो से मीडियम फ्लेम पे ही तलें और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। जितना आप इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है, आप अपना थोड़ा सा टाइम दे करके इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रंची होंगे। ये देख सकते हैं कि जब मैंने इसे गर्म तेल में डाला था तो आप देख सकते हैं कि इस पर बबल्स आ गए हैं, ये गर्म तेल की निशानी होती है। और इस तरीके से ये ब्राउन हो जाता है ऊपर की तरफ, अंदर से थोड़ा सा कच्चा हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब भी आप करें फ्राई तो लो से मीडियम फ्लेम पे ही करें।
जी मिनी समोसे तलते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं, ये बहुत ही अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने क्रंची हुए और अंदर की स्टफिंग कितनी अच्छी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि तोड़ने के बाद ये बहुत ही स्टफ्ड मिनी समोसे रेडी हैं हमारे, और इसकी जो परतें हैं आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा क्लोज करके और दिखाती हूँ कि जो इसकी परत है ऊपर की वो काफ़ी ज़्यादा लेयरी है। तो यही होती है निशानी हमारे मिनी समोसे को जब हम लो फ्लेम पे फ्राई करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसकी जो लेयर्स है बहुत ही अच्छी दिख रही है और स्टफ भी बहुत ही अच्छा हुआ है। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इसे आराम से 2 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं, या ट्रैवल के लिए आप कहीं जा रहे हैं तो ये तो सबसे बेस्ट स्नैक्स है, आप इसे लेके जाएं, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। इवनिंग टाइम में चाय के साथ ये समोसे तो बहुत ही मस्त लगते हैं खाने में। तो ये थी मेरी रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखें।